अनेक प्रकार के नाशी कीट जैसे हरा तेला, थ्रिप्स, सफेद मक्खियां एवं अन्य कीट कपास की फसल को हानि पहुंचाते हैं। तेला पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियां पीली होकर नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं और पौधा सूखने लगता है। थ्रिप्स भी पत्तियों से रस चूसते हैं। सफेद मक्खियां एवं चेपा पत्तियों पर शर्करा युक्त पदार्थ छोड़ते हैं, जो काले कवक के विकास में सहायक होता है, जिससे पत्तियों एवं रुई का रंग काला पड़ जाता है। फसल की फलन काल की अवस्था में मुख्य रूप से तीन प्रकार की सुंडियों का भयानक रूप से प्रकोप होता है। चित्तेदार सुंडी तने के सिरे में छेद करती है और बाद में कलियों डोडों को भी नुकसान पहुंचाती है। अमेरिकन सुंडी के पतंग की मादा पौधों के ऊपरी पत्तियों एवं अन्य कोमल भागों पर अंडे देती है। इन अंडों से निकली सुंडियां शुरू में कलियों को तथा बाद में फूलों एवं हरे डोडों को नुकसान पहुंचाती हैं और अंत में ये जमीन में कोशावस्था में चली जाती हैं। डोडे लगने एवं खिलने की अवस्था में गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है। ये कपास के बीजों को क्षति पहुंचाती है और साथ साथ रुई की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। स्वस्थ समर्थ बने किसान। इफको किसान का।